जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के कोटा के बोराबास के देवा जी गुजर भाई साहब का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। नारसिंह माता के शेर और हिंदू समाज की शान और गुजर समाज के उभरते हुए चेहरे देवा जी गुजर की, यानी कि आप सभी ने उनकी खबर सुनी होगी, यानी कि उनको धोखे से उनके दोस्त बाबूलाल गुजर यानी कि बाबू गुजर ने उनको अंजाम दे दिया। दोस्तों दुनिया में ये बात बिल्कुल सही बोली है कि आपका सच्चा दोस्त ही आपका दुश्मन निकलता है, यही बात या देवाजी गुजर के साथ में हुई, यानी कि देवाजी गुजर को अपने उनके एक दोस्त थे जो कि यार दोस्तों उन्होंने उनको अंजाम दिया था, जिसका नाम बाबू गुजर है। यानी कि दोस्तों भरे मार्केट में भरे बाजार के अंदर देवाजी गुजर के साथ ये हुआ है, मतलब कि देवाजी भाई साहब के सामने से कुछ कर नहीं पाए, मुंह पर कुछ बोल नहीं सके, लेकिन पीठ पीछे वार कर दिया बाबू गुजर ने, यानी कि अपने उनके सच्चे दोस्त ने धोखेबाजी कर दी और आज हमारे बीच में अपने देवा भाई नहीं है। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा कि अपने देवा भाई का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर है, उनके द्वारा करी गई भलाई और समाज में देवा भाई ने जितना नाम बनाया है शायद ही वे कोई बना पाएगा। इतनी अच्छी छवि देवा भाई ने समाज के अंदर बनाई है, यानी कि छोटा बच्चा बूढ़े महिलाएं सभी लोगों से वे प्यार करते थे और वे सभी लोग भी उनसे प्यार करते थे। पर दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी देवा भाई के आरोपी है वे बचेंगे नहीं, यानी कि अगर वे अपनी खैर चाहते हैं तो प्रशासन के हाथ में है तो वे बच जाएंगे, लेकिन अगर वे खुले घूम रहे हैं तो यार दोस्तों देवा भाई के फैन और देवा भाई को जितने भी लोग प्यार करते हैं उनसे वे कभी भी बच नहीं पाएंगे। जिन भी लोगों ने देवाजी भाई साहब के साथ ये सब किया है उनका बचना मुश्किल नहीं असंभव है, दुनिया की कोई भी ताकत उनको बचा नहीं सकती है। दोस्तों राजस्थान में देवा गुजर कोटा ये एक नाम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सरकार है, यानी कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है। देवाजी गुजर का नाम सुनते ही सभी लोग उनको पहचान जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्होंने दुनिया में नाम कमाया है और देवाजी के साथ जिसने भी ये किया है उनके लिए आज पूरा समाज उनके खिलाफ खड़ा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यानी कि दोस्तों पूरा समाज गुजर समाज और सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं उनके ढूंढने आरोपियों को ढूंढने के लिए, और जब भी वे मिल जाएंगे यानी कि वे बचेंगे नहीं किसी के हाथ से भी, क्योंकि दोस्तों देवा गुजर कोटा भाई साहब के सच्चे दोस्तों ने और सच्चे जिगरी यार ने उनको धोखा दे दिया। पर दोस्तों यार एक बात हमेशा याद रखना, कोटा के किंग और राजस्थान की शान देवा गुजर ने आज तक किसी के साथ भी गलत और बुरा नहीं किया, पर दोस्तों आज भगवान ने और उनके धोखेबाज दोस्त ने आज हम सभी से उनको छीन लिया, उनके साथ गलत हुआ है। देवा भाई साहब के लिए कमेंट बॉक्स में लव यू और मिस यू देवा भाई जरूर लिखे। धन्यवाद। जय राजस्थान।